الرحمن الرحيم dear students assalam alaikum आज वाला क्वेश्चन देखिए इसमें ना हमें t की वैल्यू फाइंड करेंगे दो वैल्यू आएंगे बाद में उनकी पड़ताल करेंगे और जो अज़ाफ़ी असल है एक्स्ट्रा रूट है उसे भी फाइंड करेंगे तो देखिए पहले ना पिछला जो क्वेश्चन किया था उसका ये जो टू था थ्री यहाँ पे था ठीक है लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें टू पीछे है इसका मतलब है ये टू जो है ये डेक्स में नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई हो रहा है ज़रब हो रहा है अब ये जो टू है ना एक के बटा में चला जाएगा पाँच के इस तरह से बन जाएगा टी प्लस फोर के रूट इक्वल फाइव ओवर टू अब ये जजन खत्म करना है के रूट को लिखेंगे तो पैर का लेंगे स्केल रूट आएगा t प्लस 4 इसका स्केल इक्वल आएगा 5 ओवर 2 का स्केल तो ये दोनों काट के t प्लस 4 आ गया इक्वल आएगा प्लस माइनस 25 ओवर 4 ठीक है इसके बाद दो पार्ट का लेने हैं एक जमा वाला और एक माइनस 25 वाला आएगा t प्लस 4 इक्वल 25 ओवर 4 और दूसरा आएगा t प्लस 4 इक्वल है अब यहाँ से चार दूसरा को जाएगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी 25 और अब टी की वैल्यू इस तरह से आएगी इसके एलसीएम लेंगे तो चार आ जाएगा 25 का 25 आ जाएगा और यहाँ पे ना इसके ऊपर में बंद है तो यहाँ पे फोर से फोर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा टी की वैल्यू आ गई इक्वल है 16 में 25 में 16 निकाले 9/4 ठीक है इसी तरह दूसरी वाले में आ रहा है यहाँ से t इक्वल आ जाएगा मनफी 25/4 है मनफी 4 यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा एलसीएम मनफी 25 है और ये 4/4 16 भी मनफी 4 है इन दोनों को जमा करें तो t की वैल्यू देखिए कितनी बार जाएगी 44 ये t की दो वैल्यू आ गई है इसके बाद ना हम करेंगे पड़ताल इसकी करेंगे पड़ताल तो पड़ताल में आपको बताया हुआ है ये वाली वैल्यू कितनी है तो के रूट है t प्लस 4 इक्वल है तो पहले टी की एक वैल्यू पुट करेंगे फिर दूसरी वैल्यू पुट करेंगे दोनों को चेक करेंगे पहली वैल्यू देखिए टी की वैल्यू है 9/4 तो ये दर्ज करेंगे तो 9/4 प्लस 4 हाँ जी टी की जगह पे ना 9/4 लिखते हैं आप देखिए 2 का 2 आ गया यहाँ पे ऐसे में कि 4 आ गया 9 जमा 4 जमा 16 के रूट इक्वल आ जाएगा 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 25/4 के रूट इक्वल 5 के ये 2 का 2 आ गया आप देखिए 25 का स्केयर रूट लें तो 5 आ जाता है और 4 का लें के रूट तो 2 आ जाता है इक्वल 5 यहाँ पे ये 2 2 से कट जाएगा तो 5 5 के बराबर ठीक है ये इस क्वेश्चन का हल सेट आ गया 5 तो 5 में जो जो एक्स की वैल्यू टी की वैल्यू है 9/4 ये हल सेट है अब अज़ाफ़ी असल की पड़ताल के लिए ना दूसरी वैल्यू जो है ये भी लेंगे देखिए दूसरी वैल्यू लिखेंगे तो दूसरी वैल्यू ये आपको वहां से लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट टी प्लस 4 5 के तो यहाँ पे ना आप टी की वैल्यू पुट करेंगे टी बराबर माइनस 41/4 ये ना हमने टी की वैल्यू ली है इस साइड से ठीक है अब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा ये 2 का 2 जाएगा टी की जगह माइनस 41/4 जमा 4 बराबर 2 वैसे आ गया एलसीएम लेंगे 4 आ गया मल्टी 41/4/16 बराबर 5 2 वैसे आ गया
आप देखिए 41 से 16 मल्टी करें कितने रह जाते हैं, 41 से 16 कर ले, 11 से 3 कर ले 5, यहां पे रह गए 3, 3 से बता दो 36 बड़ा 4 इक्वल 5, तो यहां पे ना आएगा 2 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 ही उठा गया और बटा में 4 2 आ गए तो 5 ये काट जाएंगे 5 भी उठा इक्वल 5 के लिए आएगा, ठीक है दोनों इक्वल है नहीं होंगे, तो यहां से जो आंसर सेट आया हमारे पास ये इजाफी असर है, इजाफी असर जो है ये वाली वैल्यू p बराबर है 41 बटा 4 ये पास आगे समझे नोट कर।